ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय बर्हिणः स्तबक धातु पलासहि बद्ध बरहा बद्ध मल परिबरह विडंबह और कैसे हैं करहिचित सबल आलि सह गोपहि गाह समाहयति यत्र मुकुन्दः बर्हिणस्तवक धातु पलासहि बद्ध बरह परिबरह बद्ध मल्ल परिबरह विडम्बः करहिचित सबल आलि सह गोपहि गाह समाहयति यत्र मुकुन्दः ठीक है पढ़िए आप Mataji lah.
पढ़ेंगे ना बरहिंडा मोरों के स्तबक पंखों से धातु रंगीन खनिज गेरू पलाश ही तथा पत्तियों से बद्ध व्यवस्थित मल कुश्ती लड़ने वाले या पहलवान का परिबरह वेश विडम्ब अनुकरण करने वाला करहे चेत कभी कभी सबल बलराम सहित आली हे गोपी सह वह गोपही ग्वाल बालों के साथ गाह गावों को समाहोयति बुलाता है यत्र जब मुकुंद मुकुंद तरही तब भग्न टूटी गतय उनकी गति हिलना डुलना सरित नदियाँ वय निसंदेह तत् उसके पद अम्बुज चरण कमलों की रजह धूली अनिल वायु से नीतम लाई हुई स्पृहयति लालसा करती हुई वयम हम सब इव जिस तरह अबहु कुछ कुछ पुण्या पुण्य कर्म प्रेम भगवत प्रेम के कारण बेपित कांपती भुजा है बाहें लहरें स्तमित रुक गया आप जल अनुवाद हे प्रिय गोपी कभी कभी कृष्ण अपने को पत्तियों मोर पंखों तथा रंगीन खनिजों से सजाकर पहलवान का वेश बनाते हैं तत्पश्चात वे बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बैठकर गांवों को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाते हैं उस समय नदियाँ बहना बंद कर देती हैं उनका जल उस आनंद से स्तंभित हो उठता है जिसे वे उस वायु की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अनुभव करती हैं जो उनके लिए भगवान के चरण कमलों की धूल लाएगा किंतु हमारी ही तरह नदियाँ अधिक पवित्र नहीं हैं अतः वे प्रेम बस कांपते हुए बाहों से उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं तात्पर्य यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि नदी जैसी जड़ वस्तुओं को भी चेतन बनाती है जिससे वे आनंद से स्तंभित हो जाती हैं इस तरह गोपियाँ सदैव कृष्ण के शारीरिक सानिध्य में नहीं रह सकती उसी तरह नदियाँ भगवान के चरण कमलों तक नहीं आ सकती थी यद्यपि वे भगवान को चाहती थी किंतु आनंद के मारे उनका हिलना डुलना रुक जाता था और उनकी लहरों रूपी भुजाएं भगवत प्रेम में कांपने लगती थी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की ये श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंध का 35वां अध्याय है गोपी जनों ने भगवान कृष्ण के बारे में
पांच गीत गाया है श्रीमद् भागवत में। पांच गीतों में यह गोपी गीत के बाद दूसरा महत्वपूर्ण गीत है। सबसे ज्यादा वैष्णव लोग गाते हैं गोपी गीत को, जिसे गोपिका गीत भी कहते हैं, और उन्हीं गोपियों के द्वारा गाया हुआ यह युगल गीत है। भगवान कृष्ण के बारे में गा रहे हैं। गोपियाँ कभी भी नहीं चाहती थीं कि भगवान कृष्ण वृंदावन में जाएं, हमेशा गांव में रहें, ब्रज में रहें, यही चाहती। तो कृष्ण का वृंदावन में जाना उन्हें सहन नहीं होता था। जैसा कि गोपी गीत में हम लोग पढ़ते हैं, ब्रजसी जद चलसी जद ब्रजाचार्यन पसुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील त्रिणाकुर सीद तीति न कलिलता मन कांत गच्छति। हे प्रियतम, आप जब गाय चराने के लिए घर से चलते हैं तो उस समय हमें यही स्मरण रहता है कि आपका नलिन सुंदर पद्म सुंदर चरण में पत्थर लग रहा होगा, कुश लग रहा होगा और कटे हुए घास लगते होंगे। तो इसका स्मरण करके हमारा मन मूर्छित होता रहता है। जब ही आप चलते हैं, चलस जद ब्रजा चारयन पशु, जब आप पशुओं को चराने के लिए चलते हैं तो हमारा चित्त बेहोश होने लगता है। हम घर में रहते हैं परंतु आपका चरण कुश पर जा रहा है या पत्थर पर जा रहा है, कठोर जमीन पर चलेगा, यह स्मरण करके हमारा मन मूर्छित होता रहता है। ये दिन के समय दशा होती है। तो हे प्रियतम, आप रात के समय इस भयंकर वन में घूम रहे हैं, हम इसको सोच करके बड़ी कठिनाई से जीवन धारण कर रहे हैं। ये तो रात का समय है, बहुत से पत्थर कुश और कठोर वस्तुएं आपके नलिन सुंदर चरण में लगती होंगी। कमल का जैसे पत्ता अत्यंत सुकुमार होता है, इस तरह भगवान का चरण कमल बहुत सुकुमार है, तो उसकी याद करती हैं। यही गोपी जनों का जीवन है। श्री कृष्ण प्रति रात्रि में गोपी जनों के साथ विहार करते ही हैं, प्रतिदिन मिलते हैं, देखती हैं, लेकिन फिर भी वे कृष्ण के विरह को नहीं सह सकती। गोचारण के लिए जाना उनको अच्छा नहीं लगता है। वे कहती हैं, प्रियतम श्याम सुंदर केवल हम लोगों को दुख देने के लिए वन में जाते हैं, अन्यथा नंद बाबा के यहाँ हजारों सेवक हैं गौ चराने के लिए, गाय की सेवा के लिए, उनको जाने की क्या जरूरत है। केवल जाते हैं हम लोगों को दुख देने के लिए, क्योंकि जब ही वे चलते हैं गोचारण के लिए तब ही हमारा चित्त बेहोश होने लगता है। गोपियां कह रहे हैं कि चलस जद ब्रजात चारयन पशुन, जब आप पशुओं को चराने चलते हैं
कोई आदमी को चराने नहीं जाते हैं, पशु को चराने जाते हैं, और पशु वो तो अविवेकी हैं, बेवकूफ़ हैं। उन पशुओं को क्या मालूम है कि कहाँ जाना चाहिए, वो तो जहाँ घास देखेंगे, चाहे वो पत्थर के बीच हो चाहे कहीं हो, जाएंगे। और उनके पीछे पीछे आप चलते हैं तो आगे चल करके घास को काट देते हैं, खूंटी बना देते हैं पशु, और चरते रहते हैं खरर खरर, और आप पीछे से चलते हैं, कटे हुए घास पर आपका चरण पड़ता है, कितनी पीड़ा होती होगी आपके चरण में। इसका स्मरण करके हम मूर्छित होने लगते हैं, और आप मानते नहीं हैं, प्रतिदिन चले जाते हैं। गोपियाँ भगवान को हमेशा देखती थीं, फिर भी उनको देखने से तृप्ति नहीं होती थी। जब ही कृष्ण वन में चलते थे तो श्री गोपी जनों का मन भी चल देता था भगवान के साथ ही, और मन ही मन वे देखती थी कृष्ण कैसे बांसुरी बजा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। वो बांसुरी बजाते थे वृंदावन में जा करके एक बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष की शीतल छाया में खड़े होते हैं, ये सब ये लोग देख रहे हैं मन में। शरद ऋतु में दिन में गर्मी हो जाती है तो शीतल छाया चाहिए, शीतल छाया में वे खड़े होते हैं और पैर को व्यत्यस्त कर लेते हैं, बाएं पैर को दाएं तरफ, दाएं को बाएं तरफ, सीधा खड़ा नहीं होते हैं। देखिए कैसे खड़े हैं, लगता है कि बहुत भारी भार टांगे हैं। गोपियाँ इसीलिए बांसुरी को गाली देती हैं कि ये हमारे प्रियतम को नाना नाच नचा देती है, गोवर्धन लेकर खड़े हो गए लेकिन बांसुरी लेकर के झुके हुए हैं, गर्दन टेढ़ी हो गई है, कमर टेढ़ी है, पैर टेढ़ा है। अरे सखी, ये बांसुरी हमारे श्याम सुंदर को बहुत तंग कर रही है, इसका भार वे सह नहीं सकते हैं। और बांसुरी अपनी सेवा कराती है, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी के छिद्रों पर अपनी अंगुलियां फेरते हैं, तो उसको राधा रानी कहते हैं ये सेवा करा रही है, इसका पद संवाहन करते हैं कृष्ण। इसलिए है सखी, आज से इस बांसुरी को फेंक दिया जाए, या सील पर कूच दिया जाए, इसमें से कोई आवाज न निकले। तो दूसरी सखी कहती है नहीं सखी, बांसुरी ही हमको खबर देती है रास करने के लिए, बुलाती है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कृष्ण कहाँ है, इसलिए इसको रहने दो। तो गोपियों को याद आती है यह बात कि श्री कृष्ण वृंदावन में गए हैं, ऐसे खड़े हैं और उनकी अंगुलियां चल रही हैं बांसुरी पर, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, अपने बायां कपोल बाईं बाह के तरफ किए हैं ना। गोपीनाथ जी किए हैं,
बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भ्रूर अधरार्पित बेण। और श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, बाएं कपोल को बाई बाह की तरफ कर लेते हैं और बलगित भ्रू उनकी भौहें ताल गति के अनुसार चलती हैं। क्या राग गा रहे हैं, क्या ताल है, उसके अनुसार पैर भी चलता है, पैर की अंगुलियां भी चलती हैं और हाथ की अंगुलियां तो चलती ही हैं बांसुरी के छेद पर। इस तरह श्री गोपीजन अपने घर में हैं, लेकिन वे एक जगह जुट करके कृष्ण किस तरह वृंदावन में बांसुरी बजा रहे हैं और सब लीलाएं कर रहे हैं, उनका वेश क्या है, इसी को गाती रहती हैं। यह श्रीमद् भागवत में बहुत महत्वपूर्ण गीत है, जुगल गीत। गोपियां भगवान के विरह में गीत गाती हैं। गोपी गीत रात्रि में गा रही हैं और ये दिन में गा रही हैं। इसको जुगल गीत क्यों कहते हैं, क्योंकि दो दो श्लोक में एक लीला पूर्ण रूप से गाई गई है, इसीलिए दो श्लोकों के कारण इसको जुगल गीत कहते हैं। गोपियों को एक क्षण भी कृष्ण का विरह सहन नहीं होता था। कृष्ण जाते थे वृंदावन में और गोपियां अपने अपने घरों से निकल करके कृष्ण के पास तो नहीं जाती थीं, उनका मन चला जाता था और एक जगह जुटती थीं और कृष्ण की लीलाओं को बोलती जाती थी। कृष्ण की लीलाएं उनके मानस पटल में प्रत्यक्ष उभर आती थी, जैसे इस श्लोक में कह रही हैं, हे सखी बरहिणा मयूर पंखों का अस्तबक श्री कृष्ण सिर पर धारण किए हैं। बरहिणा अस्तबक का अर्थ है मोर पंख और अस्तबक फूल के गुच्छे। जब फूल पत्ता सहित आता है तो उसको गुच्छ कहते हैं, अस्तबक। और धातु गैरिक धातु वन में मिलता है, उसी से गेरुआ कपड़े रंगा जाता है। पहले सन्यासी वन में पर्वत में घूमा करते थे तो कपड़ा लाल हो जाता था, गेरुआ हो जाता था। पहले के सन्यासी ऐसे कपड़ा रंगते नहीं थे, वो अपने आप ही रंगा जाता था लाल गेरू से। तो श्री कृष्ण वन में जाते हैं तो क्या क्या भेष बनाते हैं, मोर के पंख को धारण करते हैं और अस्तबक फूल का गुच्छा, गेरू उसी से पेंट करते हैं सखा लोग, गाल में हाथ में जहां तहां। वृंदावन की मिट्टी होती है, जैसे गिरिराज जी में जब जाते हैं तो गेरू से श्रृंगार होता है कृष्ण का, धातु। और पलाशय, पलाशय का अर्थ है कोमल कोमल पत्ता, नया नया पत्ता वो कभी कभी बांधते हैं। बद्ध इस तरह से सजाते हैं और अपने को कभी कभी करही चित पहलवान का वेश बनाते हैं। ये गोप लोग क्या करेंगे जंगल में, गाय चरती रहती हैं और ये आपस में कभी दंगल करते हैं,
कभी कुछ करते हैं, तो ये श्याम सुंदर भी पहलवान का वेश बना लेते हैं। उस समय अपने पीताम्बर को काछनी बना लेते हैं, घुटने तक पहन लेते हैं, घुटने के ऊपर। और किससे पहलवानी करते हैं? श्री बलराम जी से और सखाओं से। ये नहीं विचार करना चाहिए कि भगवान नृसिंह भगवान जैसे बलवान हैं और गोपों के समवयस्क हैं और उन्हीं के समान बल है, अतः वे पहलवानी में थक भी जाते हैं, कभी हार भी जाते हैं। तो मल्ल बद्ध मल्ल परिबरह, परिबरह का अर्थ है पहलवान का वेश धारण करते हैं, और विडम्ब विडम्ब का अर्थ है अनुकरण। तो पहलवान जैसे कुश्ती करते हैं वैसे खूब दंड बैठकी करके और कुश्ती करते हैं, अनुकरण करते हैं। और चिंता भी होती है कभी कभी कि गौवे दूर ना चली जाए। एक बार जब भगवान कृष्ण भांडीर वन में थे, भांडीर नामक एक वट वृक्ष है, उसके पास सखाओं के साथ एक खेल कर रहे थे। खेल में जो हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा और कुछ दूर दौड़ करके ले जाएगा जीतने वाले को। उस समय एक दिन प्रलम्ब आया, प्रलम्ब नाम का असुर दैत्य, वो देखा गोपों का खेल हो रहा है तो उसने कृष्ण को मारने की चेष्टा किया, मारना चाहा। तो कहा, सोचा कैसे मारूंगा, तो वो भी एक गोप भेष बन करके, गोप बालक बन करके आ गया और कोई परिचय नहीं बताया। ऐसे सोचा कि भ्रम हो जाएगा कृष्ण को बलराम को, ये लोग समझेंगे कि यही आसपास के किसी गांव का होगा। ये लोग पूछे भी नहीं, आ गया गोप बन करके। था राक्षस लेकिन गोप बालक बन करके आ गया और कहा कि हम भी खेलेंगे। और वह दुष्ट चाहता था कृष्ण का वध करना। कृष्ण जान गए कि ये दैत्य है, राक्षस है, फिर भी वे ऐसे बोलने लगे, आओ सखे, तुम खेलना चाहते हो, कौन हो गोप, बताया अपनी जाति, मैं गोप हूँ, मैं भी गाय चराता हूँ, आज तुम्हारे साथ खेलने की इच्छा है। जो भगवान ने कहा ठीक है, खेल में भाग लो। तो दो दल था खेलने के लिए, एक के बोस थे बलराम जी और दूसरे के श्याम सुंदर। तो किस पार्टी में रहोगे? भगवान तो उसको मारना चाहते थे, तो वह डर रहा था कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण की बहुत सी लीलाओं को सुन लिया था, काली दमन की लीला को सुना था, पुतना वध की लीला सुना था, कई लीलाएं सुना था,
तो सोचा कि ये सांवला जो है बहुत खतरनाक है। अतः इसी के पार्टी में रहूँगा, इसके पार्टी में रह करके खेलूँगा और किसी समय पा करके मार दूँगा। जो सोचा कि इसके पार्टी में रहूँगा तो बलराम को मारूँगा, इसको तो मार नहीं पाऊँगा, ये बहुत खतरनाक लड़का है, तो इसके पार्टी में रह करके हार जाऊँगा। हारने में क्या दिक्कत है, हार जाऊँगा खेल में और बलराम को लेकर के चलूँगा, जहाँ डेस्टिनेशन है उससे बहुत आगे ले जा कर के मार दूंगा बलराम को, क्योंकि श्री बलराम जी की लीलाएं बहुत ज़्यादा प्रकट नहीं थी उस समय। तो सोचा कि कृष्ण के पार्टी में रहकर बलराम को ढोऊंगा, मार दूंगा। तो खेल हो रहा था, जानबूझ करके हार गया। खेल क्या हो रहा था, कबड्डी का खेल हो रहा था, तो जानबूझ करके हार गया श्री बलराम जी से। तो बलराम जी लगे कहने, अब तुम घोड़ा बनो, तो चाहता ही था वो घोड़ा बना। कृष्ण का पूरा पार्टी हार गया, कृष्ण हार गए श्रीदाम से। तो श्रीदाम घुड़सवारी किए भगवान के ऊपर और बहुत तेज लेच करके चलना था, धीरे धीरे नहीं, घोड़ा बनना था तो तेज घोड़ा। तो कृष्ण लेकर के चले श्रीदाम को और बलराम जी को प्रलम्बासुर लेकर के चला। तो प्रलम्बासुर बलराम को लेकर के चला तो बहुत तेज है, वो हवाई जहाज की तरह उड़ गया। और भगवान कृष्ण नीचे ही थे, जमीन पर चल रहे थे घोड़ा की चाल। देखे कि बलराम को लेकर के उड़ गया तो यहीं से देख रहे थे। तो बलराम जी बहुत ऊंचा जा करके देखे कृष्ण को, तो कृष्ण ने इशारा किया उसको मारो। तो संकेत समझ गए बलराम जी, उन्होंने पहले तो डर गए बलराम जी, लेकिन बाद में मारे प्रलम्बासुर को, उसके सिर पर मुष्टिका मारे, उसका सिर फट गया, वो गिर गया नीचे। तब श्री बलराम जी आ करके कृष्ण से मिलते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ उस दिन उसके मरने से, और सभी गोप सखा कृष्ण की प्रशंसा करने लगे, बलराम जी की प्रशंसा करने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा ऊपर से कर रहे थे, क्योंकि उनका काम बलराम जी ने किया, राक्षस का वध किया। तो इस तरह की लीलाएं चलती रहती थी। गाय चराने में कोई दिक्कत नहीं था, सब जगह वन था, पर्वत था, पानी पीने के लिए था ही, जमुना जी का निर्मल जल, सरोवरों का जल। तो अधिकांश समय श्री कृष्ण ये लीला ही करते थे, खेल कूद, कभी कभी कुश्ती करते थे। करहिचित सबल आलिस गोपै,
और कभी कभी बांसुरी बजाते थे। गाह समा होयति, गायें जब इधर उधर चली जाती थी तो उनको समाहवान उनको सम्यक बुलाते थे। कभी नाम लेकर बुलाते थे और कभी केवल गीत गाते थे। गीत गाने से भी गौएं आ जाती थी। तो जब भगवान बांसुरी बजाने लगते थे तो नदियों की क्या दशा होती थी, ये दूसरे श्लोक में यह वर्णन है। तरहि भग्न गतयः सरितवै, नदियाँ रुक जाती थी, उनका प्रवाह रुक जाता था जल का। ये गोपियाँ गा रही हैं कि अरे सखी, हमारा तो दुर्भाग्य है लेकिन वृंदावन में नदियों का सौभाग्य है, देवांगनाओं का सौभाग्य है, वे आ जाती हैं बिना रोक टोक के, कृष्ण को देखती हैं ऊपर से विमान से, और पशु भी देखते हैं, पक्षी भी देखते हैं, केवल पाबंदी हम लोगों पर है, हमको बाधा दी जाती है। तो हम बहुत पुण्य नहीं की हैं तो अपने से तुलना करते हैं नदियों की। अरे सखी, ये नदियाँ भी हमारे जैसे अभागनी हैं, ये भी पुण्य नहीं की हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन में जाते हैं तब इन नदियाँ चाहती हैं कि कृष्ण का चरण कमल हमारे पास आवे, हमेशा हमको संपर्क मिले, लेकिन इनको संपर्क सब समय नहीं मिलता है। तब वायु के झोंके से उनका चरण राज्य नदियों को मिलता है। तो उस समय ये सुखी होती हैं। गोपियों की दृष्टि में वृंदावन में सभी जीव धन्य हैं, गोपियों से बढ़ करके सब जगह, वे ही मानती हैं। हम घर में बंद हो जाती हैं, इधर घर के काम धंधा करते हैं, कृष्ण के विरह में जलती रहती हैं, और वृंदावनवासी भौंरे पक्षी मृग आदि ये सुख लूटते हैं। यही गोपियों का जीवन है, वो दिन भर गाती रहती हैं केवल श्री कृष्ण के विषय में। और क्या गाती हैं कि वे इस समय इस वन में है, कभी कुछ लीला करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और गौओं के पीछे चलते रहते हैं। अरे सखी, चलो वन में हम उनको देखेंगे, कभी धूप लग रहा होगा तो हम उनको पंखा झलेंगी, ठंडा पानी पीने को देंगी, उनका चरण संवाहन करेंगे। ये श्री कृष्ण मानते ही नहीं हैं, ये चले जाते हैं, गायों के पीछे पीछे चलते हैं, और पसीना हो जाता है शरीर में, थक जाते हैं। तो कभी कभी श्री गोपियाँ छिप करके श्री कृष्ण से मिलने चली जाती हैं। विशेष करके जब वे श्री गोवर्धन जी में रहते हैं, घर से दही भात लेकर के जाते हैं खिलाने के लिए।
और कभी विविध पकवान ले जाती हैं। ऐसे श्री गोपीजन कहती हैं कि हमको कृष्ण से कभी सुख नहीं मिला है। मिलने पर भी ये कहती हैं, कहती हैं, हे श्याम सुंदर, तुमसे कभी हमें सुख नहीं मिला। जब मिलते हो तो यही चिंता रहती है कि ये एक दिन, एक समय हमें छोड़कर चले जाएंगे। तो जब मिलते हो तो विरह की आशंका रहती है। संग तो छूटेगा ही, एक घंटे के बाद चाहे दो मिनट के बाद छूट जाए, तो यही चिंता रहती है मिलन के समय कि आप छोड़कर चले जाएंगे। भगवान कहते हैं कि रात्रि में राष्ट्र विहार में मिलते हैं ना, तो वही कहते हैं, लेकिन फिर भी चिंता रहती है कि आप रात बीतने पर, राष्ट्र लीला समाप्त होने पर चले जाएंगे। और दिन के समय तो विरह रहता ही है, उस समय तो दुख रहता ही है। विरह में तो दुख आए ही, संजोग में भी दुख लगा रहता है। कभी आपसे सुख नहीं मिला, सुख ही सुख है कृष्ण से, लेकिन फिर भी गोपियों का भाव है। आप जाते हैं गाय चराने तो उसी समय हम चिंता में पड़ जाती हैं। जब आते हैं वन से तो उस समय हमको सुख नहीं होता है। अटत जद भवान हनि काननम त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम। जब दिन के समय आप वन में जाते हैं गाय चराने तो एक क्षण भी, एक सेकंड भी त्रुटि, त्रुटि कहते हैं कमल के कोमल पत्ते को एक बारीक सुई से छेदने में जितना टाइम लगेगा उसको त्रुटि कहते हैं। तो एक सेकंड भी हमारे लिए युग बन जाता है। बहुत भार होता है कब दिन बीतेगा। और जब आपको देखती हैं तो उस समय आपके सुंदरता को देखने में इतनी लालसा होती है, और उस समय भी दुख हो जाता है। उस समय तो यही आता है कि ब्रह्मा से यदि भेंट होती तो हम उनसे करोड़ों आँख मांगती। ये दो आँख है और उस पर भी ढक्कन बना दिया, पलक बना दिया, तो आपको देखने का कोई आनंद नहीं मिलता है। दर्शन होता है तब भी दुख है, और अदर्शन विजोग में तो दुख है ही। हमको तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जो सारे विश्व की सृष्टि किया है, वो सबसे बड़ा मूर्ख लग रहा है। जड उदीक्षताम त्वाम पश्यताम पक्षमकृद, आँख पर पलक बनाने वाला ब्रह्मा जड़ है, क्यों उसको सृष्टि की सृष्टि का जिम्मेवार उसको क्यों दे दिए, उसको क्यों ये विभाग दिए। भगवान विष्णु गलती किए, ब्रह्मा को उन्होंने सृष्टिकर्ता बनाया। इसको चार दिमाग है, चार गुना दिमाग है, लेकिन हमारी दृष्टि में यह जड़ है।
मूर्ख व्यक्ति है, कोई योग्यता नहीं है। अगर हमसे भेंट हो जाए तो ब्रह्मा से हम कहेंगे, ब्रज में जिनको जन्म दे रहे हो उनको अरबों खरबों नेत्र दो, और जो कृष्ण का दर्शन नहीं करते हैं उनकी दोनों आँख फोड़ दो, उनको उनको आँख की क्या जरूरत है। जो कृष्ण का दर्शन नहीं करते उनको आँख रखने से क्या लाभ है। अतः ब्रह्मा को उनके लिए आँख नहीं बनाना चाहिए। ब्रज में जन्म लेने वाले को, और विशेष करके ब्रज में गोपी शरीर जिनको दे रहा है, उनको विशेष रूप से निष्पलक आँख देना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में यह वर्णन है कि गोपियाँ कहती हैं, जब ब्रह्मा से भेंट होगी तो हम कहेंगी, हमको बिना पलक के आँख दो और कोटि कोटि आँख दो। मोर यदि बोल धरे कोटि आँख तारी करे, इस तरह श्री गोपीजन हमेशा दुख में रहती हैं, उसी दुख का उपचार करती हैं भगवान की लीलाएं गा करके, दिन भर गाती रहती हैं। पर गाने से उनको सुख नहीं मिलता है, और अधिक स्मरण आता है कृष्ण का, फिर भी गाती रहती हैं, गाने में ही आनंद आता है। गान का अर्थ है वर्णन करना, सुनना, आपस में यही करती रहती है, घर का काम धंधा नहीं करती। कृष्ण वृंदावन में है फिर भी गोपी जनों का चित्त वृंदावन में रहता है, घर के काम धंधा में नहीं, सब समय कृष्ण के बारे में बोलती रहती हैं। कतेरी सखी, ये मेघ कितना भाग्यवान है, ये कृष्ण के ऊपर और गौओं के ऊपर, सखाओं के ऊपर ये छत्र तान देता है, धूप नहीं लगने देता। हमारा जीवन व्यर्थ है, हम रह रहे हैं लेकिन अपने प्रियतम पर छत्र नहीं तान सकते हैं। मेघ कितना भाग्यवान है। इस तरह से सब समय केवल कृष्ण की चर्चा करती है। और किसी तरह से दिन बिताती है, बड़ी मुश्किल से दिन कटता है उनका। एक सेकंड जब युग के समान बीतता है तो दिन कितना बड़ा होता है। दिन तो कल्प जैसा लगता है। सब समय भगवान के विषय में बात करना, यही कृष्ण भावनामृत है। दिन भर लोग बात करते ही रहते हैं ना, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कार में हो, सब समय कुछ बात करते ही रहते हैं।
तो स्वाभाविक श्री कृष्ण चर्चा करते रहना यही कृष्ण भावना है, गोपियों का यही जीवन है। तन मनस्कास तदालापास तद अलापा, वे कृष्ण में ही मन रखती हैं सदा, कृष्ण की ही वार्ता करती हैं। नदियाँ चाहती हैं कि हम भगवान के चरण को छुए, लेकिन वे छू नहीं पाती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं हमारी समान ये भी हतभागिन है, इन्होंने पुण्य नहीं किया है। अगर पुण्य की होती तो जैसे गौएं या भौंरे कृष्ण के साथ साथ चलते हैं ऐसे ये चलती, पर हवा कृष्ण के चरणाम्बुज के धूल को उड़ा करके लाती है तो उसको पा करके नदियाँ अपने को धन्य समझती हैं। बहुत सी नदियों का वर्णन है क्योंकि बरसात में नदियाँ बहुत हो जाती हैं छोटे छोटे, और शरद ऋतु में भी धाराएं बन जाती हैं, बहुत नदी होती है। तो गिरिराज में कई धाराएं चलती हैं नदियों की, जमुना जी भी कई धाराओं में बहती हैं, पूरे ब्रज को ये घूम घूम करके सिक्त करती हैं, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग गोपियाँ कर रही हैं। ऐसे दो नदी बहुत प्रसिद्ध है, श्री मानसी गंगा जी और श्री जमुना जी, लेकिन जमुना जी की धारा अनेक हो करके ब्रज में बहती है, तो इसीलिए गोपियाँ कह रहे सरिता नदियाँ। कभी कभी श्री कृष्ण गिरिराज जी में बहने वाली नदी मानसी गंगा के तट पर जाते हैं और किसी बट वृक्ष पर बैठ जाते हैं जिसकी लंबी लंबी शाखाएं होती हैं, नदी के ऊपर शाखा चली जाती है, तो श्री कृष्ण उस पर चले जाते हैं और पैर को नीचे लटका करके बांसुरी बजाने लगते हैं। पैर लटकाए रहते हैं उस समय नदी अपनी तरंगों से अपनी भुजाओं से उनके चरण को पकड़ लेती है। ऐसा वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा जो जमीन के बहुत ऊपर नहीं रहता है, जिसकी शाखा उस पर चरवाहे बैठ करके अपना चरण नीचे करते हैं, हमने देखा है कई ऐसे वृक्ष। तो बट वृक्ष जिसकी शाखा ऐसे लंबी जाती है जल के ऊपर, और श्री कृष्ण की यह लीला है कि वे नदी की इच्छा को समझते हैं। जमुना जी तो भगवान की प्रिया ही हैं, नदी की इच्छा को जान करके अपना चरण कमल लटकाते हैं और जमुना जी उफान करके चरण को छू लेती हैं।
और उनका जल बहता नहीं है, कृष्ण के चरण कमल को पकड़ करके स्थिर रहता, स्थिमित। जल का बहना बंद हो जाता, भगवान के चरण कमल को पकड़ करके जमुना जी स्थिर रहते हैं। ये वृंदावन में श्री गोवर्धन जी में ये सब लीला होती रहती है। गोपियाँ ऐसे कह रहे हैं कि बेचारी नदी है, सब जगह जा नहीं सकती, तब श्री कृष्ण अपना चरण कमल देते हैं जा करके। पर कभी हमारे वक्षस्थल पर चरण नहीं रखते हैं, हमारा भाग्य फूटा हुआ है। कभी पक्षियों का गुणगान करते हैं कि ये पक्षी धन्य है जो वृक्ष की डाली पर बैठ करके और कृष्ण को देखते हैं तथा गीत सुनते हैं अपने कानों में, बांसुरी का गीत निकट से। और ये हरिण धन्य है, देखो इन हरिणियों का भाग कि ये अपने पतियों के साथ कृष्ण का दर्शन करती है। और हमारे पति ऐसे हैं कि अगर कृष्ण की गंध भी जान जाएंगे तो नाक भाव सिकोड़ते हैं, ये क्या सुन रही है, क्यों गीत सुन रही है, तुम किसको देखने गई थी। ये पति हमेशा डांटते रहते हैं क्योंकि परकिया भाव है ना, श्री राधा रानी जो प्रधान गोपी हैं, तो ये गोपीनाथ का मतलब राधा नाथ ही हुआ सीधा अर्थ। तो वे कहती हैं एक गीत में, विद्यापति ठाकुर का एक गीत है, मनमत तो है कि कहब अनेक, अरे कामदेव मैं तुमको क्या कहूँ, दिठी अपराध प्राण परिपीरसी ए तु अकोन विवेक। अपराध तो हमारे आँखों ने किया है कृष्ण को देखने में, लेकिन तुम प्राण को पीड़ा दे रहे हो। अपराध किया आँख ने और हमारे हृदय को बेध रहे हो। कहने का आशय है कि हमने देखा कृष्ण को आँख से, तो आँख को जो दंड देना है दो, हमारे प्राण को क्यों दे रहे हो। दिठी अपराध प्राण परिपीरसी ये तुआ कौन विवेक। दिठी अपराध आँख के अपराध को तुम प्राण को पीड़ा दे रहे हो, और वो भी आँख से हमने पूरा देखा नहीं, बहुत कम देखा कृष्ण को। कृष्ण गाय चरा करके आ रहे थे या जा रहे थे, तो उनको सब लोग देखे, ब्रज के सब गांव में रहने वाले सब देखे कृष्ण को। पूर्व बाहिर पथ करत गतागत को नहीं हेरत कान, कौन नहीं देखता है, किसी को देखने में कोई बाधा नहीं है, देखने में कोई अपराध नहीं है,
और अपराध हमने कर दिया कि दाहिन नयन पिसुनगन वारल, दाहिने आँख से मैं देख रही थी निंदकों को, ब्रज में जो निंदा करते हैं उन निंदकों की ओर देख रही थी दाहिने आँख से, कि वे न देखें कि यह कृष्ण को देख रही है। अतः दाहिने आँख में लगाई थी निंदकों को देखने के लिए, कि वे ये समझें कि दाहिना आँख से नहीं देख रही है। दाहिन नयन पिसुनगन वारन, निंदकों को देख रही थी, और बाम ही नयन आद है, और बाएं नेत्र से परिजन बाम ही आद है, अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपनी सास को और ननद को देख रही थी। बाएं आँख से, आधा आँख से देख रही थी मैं स्वजनों को कि वे खुश रहें, वे देख लें कि ये देख रही है हमारे तरफ। सब लोग कृष्ण को देख रहे थे, लेकिन मैं दाहिने आँख तो लगाई थी निंदकों की तरफ, बायां आँख लगाई थी आधा स्वजनों की तरफ, पति के तरफ या सास के तरफ, ससुर के तरफ। बायां भी आधा नेत्र, तो आध नयन को ने हरि अवलोक ने तत भेल परमाद। मैं आधे नेत्र में वो भी कोने से कृष्ण को देखी। आध नयन को ने हरि अवलोक ने, मैं आधे नेत्र से कृष्ण को देखी कोने से, और इसी से बहुत अपराध हो गया। मन मस्तो ही कि कहब अनेक। अरे कामदेव, मैं तुमको क्या कहूँ, तुम इतना अविवेकी हो। तो इस तरह से कृष्ण को देखने में बहुत बाधा है गोपियों को। दो आँख में डेढ़ आँख पूरा लगा हुआ था दूसरे को देखने में। उस समय जिस समय सब लोग कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, तो मैं आधे नेत्र से वो भी पूरा आधा से नहीं देखी। आध नयन कोने हरि अवलोक करे, मैं आधे नेत्र से और वो भी नेत्र के कोने से, कटाक्ष से मैं कृष्ण को देखी। तो क्या यही बहुत अपराध हो गया? राधा रानी रहती हैं कृष्ण के साथ, लेकिन घर पर रहने पर, कृष्ण को वृंदावन से आने पर सब लोग देखते हैं शाम के समय, या सवेरे वन में जाते समय सब लोग देखते हैं। परंतु यदि राधा रानी देख लें तो जटिला सास, कुटिला ननद, ये तुरंत गाली देने लगते हैं। तुम क्या देख रही थी, तुम काम क्यों नहीं करती हो? और जावट में विवाह हुआ है राधा रानी का, वहाँ से ये केवल नंद गांव की ओर देख दें तब भी हल्ला करने लगती है, उधर क्यों देख रही है?
ये तो राधा रानी के लिए आनंद है मंदिर में कि हैं प्रियतम के साथ, और बरसाने में तो देख नहीं सकती, जावट में देख नहीं सकती। नंदगांव के तरफ कभी भूल करके भी देख देंगी तो हल्ला होने लगता है। यह भाव है विशेष करके गौड़ियों का, वे परकिया भाव के उपासक हैं ना, कि राधा रानी का विवाह नहीं हुआ है कृष्ण से, वो तो नित्य प्रिया हैं, विवाह क्या जरूरत है। विवाह जावट में हुआ है अभिमन्यु नामक गोप से, और वहीं से श्री राधा रानी रोज रासलीला में आती हैं वृंदावन। वृंदावन का तात्पर्य है और सब नंदगांव बरसाने ये सब वृंदावन के अंदर ही है। तो श्री गोपी जनों के द्वारा गाया हुआ यह जो गीत है, इसी का आस्वादन करना चाहिए। जय श्रील प्रभुपाद। जय हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर व्याख्या की महाराज जी। प्रश्न ये कि ये जो युगल गीत चल रहा है, इस वर्णन इसमें जो अर्थों का आपने बताया और आस्वादन करते हैं, इसका अर्थ जो भागवतम में वेणु गीत जो श्लोक है उन श्लोकों का अर्थों से समान लगता है, तो दोनों में अंतर या समानता क्या है? ये प्रेम उत्पन्न हो जाने के बाद का गीत है, और वेणु गीत उसमें पूर्व राग का वर्णन। पूर्व राग मतलब शुरू शुरू में जब कृष्ण से संपर्क हुआ है, और इसमें विशेषता है जुगल गीत में। इसमें पूर्व राग नहीं है तो पूरा राग है, पूर्ण राग कहिए, और वेणु गीत में पूर्व राग है। प्रेम की प्राथमिक अवस्था वेणु गीत में है, दोनों में सादृश्य है, परंतु वैष्णव लोग जुगल गीत को बहुत अधिक मानते हैं। गोपियों के द्वारा गाया हुआ 5 गीत है, गोपी गीत सबसे प्रधान है, तो गोपी गीत के बाद जुगल गीत को ही मानते हैं। वेणु गीत, प्रणय गीत, विरह गीत, कई गीत हैं। वृंदावन जब हम दर्शन करने जाते हैं तो नंदगांव जब जाते हैं दर्शन करने, तो एक बार हम गए थे तो नंदगांव के एक पुजारी
बता रहे थे लीला, तो उसमें बता रहे थे कि आप गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो परकीय भाव के आस्वादन करते हैं और राधारानी जो है विवाह किसी अन्य से हुई है, लेकिन ब्रज में हम लोग ये मानते हैं कि राधारानी भगवान की ही पत्नी है, ऐसे कह रहे थे। स्वयं भगवान ही आकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में यही बताए, भागवत में परकिया भाव ही है, राधा रानी परकिया नहीं है लेकिन भाव परकिया है, भाव और होने में दोनों में अंतर है। जैसे देखने में आप मिश्री का ढोका लाइए और फिटिकरी का ढोका, दोनों देखने में एक जैसा है, देखने में एक जैसा है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। और मिश्री के बदले फटिकरी दे दीजिए खाने के लिए किसी को, कितना बीटर होगा। ऐसे ही भाव और वस्तु में अंतर है, राधा रानी या गोपियों का भाव है कि कृष्ण हमारे प्रेमी हैं और विवाह आदि नहीं है, क्योंकि स्वकीय में एक दोष है, विवाह हो जाने के बाद अब पति की सेवा करो ऐसा करो ये सब हो जाता है। विवाह होने के बाद अगर संतान नहीं हुआ तो वो भी एक दिक्कत है, संतान होना ही चाहिए, अपेक्षा होती है, विवाहिता स्त्री पति से अपेक्षा करती है, हमको पैसा दें, हम हमारे भोजन की व्यवस्था करें, हमारे लिए घर बनाएं, कई अपेक्षा होती है, तो वह प्रेम नहीं हो पाता है जो परकिया भाव में है। परकिया पत्नी अपने पति से मिलना चाहती है, बहुत उत्कंठा रहती है, लालसा रहती है मिलने की, तो उसी लालसा के लिए भगवान ने इस भाव को प्रकट किया ब्रज में। जैसा आपने सुना ना कि राधा रानी कृष्ण को देख भी नहीं सकती, थोड़ा देखने में आलोचना होती है सारे ब्रज में कि राधा कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई है, तो बहुत कम चांस रहता है मिलने का, मिलने पर आनंद अरब गुना होता है कृष्ण को देखने पर, कृष्ण के साथ नाचने पर रासलीला में, कृष्ण को केवल एक सेकंड के लिए देखने पर उतना आनंद होता है जितना आनंद स्वकिया को रात दिन पति के साथ रहने पर भी नहीं हो सकता। तो इसी प्रेम की उत्कंठा की वृद्धि के लिए भगवान स्वयं इस रूप में हैं, विवाहित नहीं है। विवाह करना होता तो द्वारका में चले जाते, वहाँ एक नहीं 16,000 से विवाह करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रज में नंद लाला हैं और किशोर अवस्था के, ये गोचारण लीला करते हैं, वेणु बजाते रहते हैं, विवाह कर लेंगे तो वेणु बजाएंगे तो सब अब फिकिर लग जाएगी अब गृहस्थी चलाने की, सब बांसुरी बजाना आदि भूल जाएगा। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु रम्या काज उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता,
ब्रजवधुओं के द्वारा जो दिखाई गई बात है उपासना विधि, वो है परकिया भाव, भाव परकिया। वास्तव में राधा रानी परकिया नहीं है और न तो स्वकिया है, परकिया स्वकिया दोनों से विलक्षण भाव है। वो श्री कृष्ण की नित्य प्रिया है और श्री कृष्ण प्रियतम है, पति नहीं प्रियतम। इसमें बहुत आनंद है और प्रेम ज्यादा है, इसीलिए भगवान ने यह लीला किया। कहीं जमुना के तट पर भेंट हो गई या फूल चुनने में भेंट हो गई, कृष्ण को सपने में देखा या चित्र देखा तो प्रेम हो गया और वह प्रेम अखंड है, कभी खंडित नहीं होगा। अनादि काल से अनंत काल तक ये प्रिय प्रियतम हैं और रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने सब जगह राधा रानी को ही रखा, यहाँ तक कि लंदन में राधा लंदनेश्वर राधा पेरिसेश्वर पेरिस में सब जगह कृष्ण को रखे, लेकिन राधा रानी को ही साथ में। यही वास्तविक पत्नी कही या प्रेमी कही, प्रिया कही, यही है। कई बार लोग पूछते हैं हमसे, एक बार अमेरिका में ह्यूस्टन में एक स्त्री कही प्रश्न की, प्रवचन के बाद कहा गया कि कोई प्रश्न है, तो एक स्त्री आ गई खड़ा होकर और माइक ली थी, बोले कि कृष्ण को राधा रानी को क्यों रखे हैं पास में। तो हमने फिर प्रश्न कर दिया, आपको क्या ऑब्जेक्शन है। तो कहती है कि उनकी पत्नी है ना रुक्मिणी सत्यभामा या मित्रबिंदा और सब है, तो राधा को क्यों रखें। हमने टालने के लिए कह दिया, उनकी इच्छा, आप जाकर पूछिए, हम नहीं जानेंगे। उनको पसंद पड़ता है वे राधा रानी को रखे हैं। तो दूसरा प्रश्न किया माता जी ने, कृष्ण इतना विवाह क्यों किए, अब 16,000 द्वारका चली गई, इतना विवाह क्यों किए। तो मैंने कहा कि अब उनकी इच्छा, उनकी शक्ति जितना रखें। तो कह दी कि ये अच्छा नहीं किए, एक विवाह करना चाहिए, 16,000 क्यों किए। तो बोलने में कुछ हटपटा बोल दी, वो कहे कि भगवान होकर के ऐसा करेगा। तो मैंने कह दिया, क्या 16,000 में 2-4,000 का खर्चा आप भेजती हैं क्या। भगवान 16,000 विवाह किए तो 16,000 भवन भी बनाए द्वारका में, सबके भोजन की व्यवस्था सब कुछ किए। तो बार बार कहे फिर क्यों करेगा भगवान ऐसा। तो मैंने कहा कि विवाह में 2-4 गड़बड़ी हो गई क्या,
तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटी को लड़की को ले गए क्या शोभा महाराज, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? 16,000 का खर्चा वे चला रहे हैं और उनका कभी कंप्लेन नहीं आया। वे स्त्रियां प्रसन्न हैं भगवान से, तो तुमको क्या दिक्कत हो गया? सुखदेव गोस्वामी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो कथा कहते हैं। भगवान वेदव्यास देव प्रसन्न मन से भागवत लिखे हैं और ऑब्जेक्शन तुमको हो गया? नहीं, वो ऐसे पूछ रही थी इसलिए मैं कहा। 16,000 रखें चाहे 16 अरब रखें, वे भगवान हैं, सर्वसमर्थ हैं। पर ब्रज में एक भी नहीं रखे हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ, ब्रज में हैं, हजारों हैं, लेकिन भगवान की प्रेमिकाएँ हैं, प्रेयसी हैं, पत्नी नहीं। अच्छा, हरे कृष्ण, जय राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।